हेलो क्लास, आज हम हिंदी में पहला पाठ पढ़ेंगे ना। हिंदी में पहला पाठ है नए ज्ञान की ज्योति। नए ज्ञान है ना, हम नए ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक कविता है, इस कविता को पढ़ने से हमें क्या ज्ञान मिलेगा वो हम जानेंगे। महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटी से छोटी क्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। महान उद्देश्य, किसी भी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटा से छोटा काम भी जरूरी होता है ना। भाषा को सीखने के लिए पहले वर्ण सीखे जाता है। जब भी हमको भाषा सीखना है उससे पहले क्या सीखना होगा, वर्ण है ना, अक्षर के बारे में हम सीखेंगे। हमारी भाषा हिंदी जितनी सरल है उतनी ही समृद्ध भी है। हिंदी भाषा जो है, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो जितना सरल है, जितना आसान है, उतना ही समृद्ध भी है, मतलब उतना ही चारों ओर फैला हुआ है। आइए इसे सीखने के लिए इससे अपनापन और बढ़ाएं। आइए इससे सीखने के लिए ना, हम हिंदी भाषा को सीखेंगे है ना, और इससे अपनापन बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हिंदी है भावों की गंगा, बहती इसमें रसधार है। मातृभूमि की ही भांति हमको इससे प्यार है। हिंदी है भावों की गंगा। हिंदी भाषा जो है वो कैसी गंगा है, भावों की, यानी कि हमारे मन की गंगा है। जैसे गंगा बहती है ना जल से, उसी प्रकार भाव की गंगा, मन की गंगा बहती है। इसमें रसधार है, ये जो भावों की गंगा है हिंदी भाषा, उसमें क्या भरा हुआ है, रसधार, यानी कि मीठापन भरा हुआ है। जब हम हिंदी बोलते हैं तो ये सुनने में बहुत ही मधुर लगता है ना। इसीलिए कहा गया है कि ये भावों की गंगा है, यानी मन की गंगा है, और इसमें बहती रस धार है ना, रस की धारा बहती है। मातृभूमि की ही भांति हमको इससे प्यार है। जैसे हमको अपनी मातृभूमि से प्यार है ना, उसी तरह हमको अपने हिंदी भाषा से भी बहुत प्यार है, ठीक है। इसमें गीत निराले मिलते, नई कल्पना भरी उड़ाने। इसमें गीत कैसे मिलते हैं, निराले। निराले मतलब जब इसको पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में लिखा हुआ गीत को हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है ना, और आनंद के साथ साथ इसमें बहुत ज्ञान भरा होता है। नई कल्पना भरी उड़ाने ना, नई नई कल्पनाएं उसमें भरी होती है, ठीक है, जिससे हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। कथा कहानी छंद अनोखे, पढ़कर ही इसको पहचाने। हम हिंदी भाषा को कैसे पहचानेंगे, जब हिंदी भाषा के द्वारा कोई कथा या कहानी लिखी हो या छंद लिखा हुआ, उसको पढ़कर हम हिंदी भाषा को पहचानेंगे। इस भाषा की रीति सुहानी, इस भाषा की जो रीति है, इसका जो ढंग है वो बहुत ही सुहानी है। सुहानी मतलब अच्छा लगता है। इसने सदा चाही अपनानी, हिंदी भाषा हमेशा दूसरों को अपनाना चाहा है ना, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया, हमेशा दूसरों को वो अपनाती है। जो भी अपने स्वर इसमें डाले उसको हंसकर साथ मिला ले। जो भी इसमें स्वर में डाल, जो भी अपने स्वर, अपने स्वर मतलब जो भी हम अक्षर पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन है ना, तो अपना स्वर को जो इसमें डाले उसको हंसकर साथ मिला ले है ना। जब हम स्वर को इसमें डालते हैं तो वो उसको साथ मिला देती है ना, और साथ मिलाकर क्या करती है, उसको भाषा बना देती है। नहीं कोई भेदभाव यह करती, मन में नई उमंगे भरती। हिंदी भाषा जो है वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है ना। हिंदी भाषा बोलने वाला क्या होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता है ना, मन में नई उमंगे भरती, और हमारे मन में उमंग आता है। एक एक अक्षर इसका मोती, भरती नित नए ज्ञान की ज्योति। इसका एक एक अक्षर मोती के समान है। जैसे मोती पिरो पिरो के जब हम उसको माला बनाते हैं वो कितना सुंदर दिखता है, वैसे ही एक एक अक्षर जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है, और एक एक शब्द मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है ना। इसीलिए कहा गया एक एक अक्षर इसका मोती, भरती नित नए ज्ञान की ज्योति। और जब अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य बनता है तो हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज्ञान की ज्योति है ना, हमें ज्ञान मिलता है, समझ में आया। और इस कविता को लिखने वाली कवित्री कौन है, डॉक्टर गीता रानी, ठीक है ना। अब आप लोग इस कविता को एक बार लय में पढ़ेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद भी करेंगे ना। चलिए पढ़ते हैं।
हिंदी है भावों की गंगा, बहती इसमें रसधार है, मातृभूमि की ही भांति हमको इससे प्यार है। इसमें गीत निराले मिलते, नई कल्पना भरी उड़ाने, कथा कहानी छंद अनोखे, पढ़कर ही इसको पहचाने। इस भाषा की रीति सुहानी, इसने सदा चाही अपनानी, जो भी अपने स्वर इसमें डाले उसको हंसकर साथ मिला ले। नहीं कोई भेदभाव यह करती, मन में नई उमंगे भरती, एक एक अक्षर इसका मोती, भरती नित नए ज्ञान की ज्योति। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका अभ्यास है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे। ओके।